दोस्तों, आपने भूत प्रेतों से जुड़े बहुत सारे किस्से सुने होंगे। कुछ लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल किस्से और कहानियां की बातें हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां हम एक भूत की सच्ची कहानी बता रहे हैं। मनाली लेह मार्ग पर सरयू के 54 किलोमीटर दूर 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लचुलुंग दर्रा है। यह मनाली से 278 किलोमीटर दूर लचुलुंग दर्रा जम्मू कश्मीर के लेह जिले में पड़ता है। खैर, यह वीडियो एक भूत की सच्ची कहानी के बारे में है। लचुलुंग दर्रे के पास 22 मोड़ नामक जगह से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहां पर बने भूत मंदिर में पानी की एक बोतल चटाकर ही आगे बढ़ता है। गांव के लोग मानते हैं कि जो लोग जानबूझकर भी पानी की बोतल नहीं चढ़ाते, उनके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसा गांव वालों का विश्वास और धारणा है, जो कि इन लोगों के तजुर्बे से बनी है। इनके पीछे एक रोचक कहानी है। गांव वालों के मुताबिक लगभग 8 साल पहले एक ट्रक लेकर ड्राइवर और कंडक्टर ले जा रहा था। लचुलुंग ला के पास 22 मोड़ नामक जगह पर उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और कंडक्टर इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। कहते हैं कि ड्राइवर घायल कंडक्टर को छोड़कर भाग गया। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि यह ड्राइवर दूर गांव में मदद के लिए गया, मगर उसे वापस लौटते काफी देर हो गई। उसी रात वहां से गुजर रहे एक अन्य ड्राइवर ने उसी घायल कंडक्टर को देखा। वह पानी पानी चिल्ला रहा था। जब तक ड्राइवर पानी लाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिना खाए और पानी पिए उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। कहते हैं कि इसके बाद से उसकी आत्मा यहां पर भटकने लगी। बताया जाता है कि कंडक्टर की लाश को यहीं पर दफना दिया गया था। उसके बाद से ही यहां पर डरावनी घटनाएं होने लगी। आते जाते चालकों को एक लड़के की आत्मा डराने लगी और लड़का भी लोगों को दिखने लगा। यह आते आते चालकों से खाने के लिए सामान मांगता था। जो लोग उसे यह नहीं देते थे, वह किसी न किसी हादसे का शिकार होने लगे। बाद में यहाँ पर मंदिर बना लिया गया और लोग वहाँ खाने की चीजें और मिनरल वाटर की बोतल चढ़ाने लगे। यहाँ मिनरल वाटर की बोतलों का ढेर देखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि भूत इस मंदिर में मिनरल वाटर पीता है। क्या कहते हैं स्थानीय निवासी? लाहौल के वयोवृद्ध इतिहासकार छेरिंग दोरजे बताते हैं, यह एक भूत की सच्ची कहानी है। उनके अनुसार यह बात 10 साल पहले की है। एक ड्राइवर सुरेंद्र कुमार, राजू राम, नंद किशोर और भागसेन के अनुसार इस मार्ग से गुजरते समय ड्राइवर कंडक्टर यहां आत्मा के लिए पानी की बोतल छोड़ते हैं। SRTC केलांग डिपो के चालक रमेश लाल ने बताया कि कई ड्राइवर उन्हें बता चुके हैं, उन्होंने उस आत्मा की चीख सुनी है जो पानी मांगती है। डर से सही यहाँ ड्राइवर पानी की बोतलें छोड़ते हैं। तो आपको ये भूत की सच्ची कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और ये कहानी आप आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।